सो गाइज स्वागत है एक और हमारे न्यू फ्रेश वीडियो में। एंड गाइज आज की हमारे इस वाली वीडियो में हम कुछ इस टाइप का ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, जैसे कि आप लोग इस सिंपल से फोटो को यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी एडिट नहीं है, ना बैकग्राउंड में कलर चेंज है। एंड गाइज हमने इसको कुछ इस टाइप से एडिटिंग कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने किस टाइप जो इसका हेयर को ऑयल पेंट किया है, यहाँ पर जो गाइज इसका हमने फेस स्मूथ किया है। एंड गाइज यहाँ पर जो येलो टोन एंड ब्लैक टोन को ऐड किया है। जी हाँ गाइज, सो गाइज आज के हमारे इस वाली वीडियो में हम बिल्कुल सेम सा सेम इसी तरह का फोटो एडिट करने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल भी फेक नहीं दिखाऊंगा एंड सेम हम कुछ इसी टाइप का फोटो एडिटिंग हम करेंगे आज की हमारे इस वाली वीडियो में। सो गाइज आपको करना कुछ नहीं, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से। एंड गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। सो गाइज अब इस टाइप का एडिटिंग करने के लिए जैसे कि आपको करना क्या है, अगर वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का एडिटिंग सीख जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम यहाँ पर यह रहता है, हम इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेंगे अपने लाइट रूम ऐप में। जी हाँ गाइज, तो यहाँ से जैसे कि मैं कर लेता हूँ। सो ओके गाइज, जैसे कि यार हमारा फोटो जो यहाँ पर लाइट रूम में एक्सपोर्ट हो चुका है सिंपली। एंड गाइज जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करेंगे। जी हाँ गाइज, कि हमारे फोटो में किस चीज़ की यहाँ पर कमी है, तो इसके लिए हम यहाँ से जैसे कि लाइट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। एंड यहाँ पर जो गाइज मैं इसका यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर लूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं 20% रख रहा हूँ। एंड गाइज इसका जो हाईलाइट्स है ना, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट्स इसको कम कर दूँगा। एंड जो गाइज शेडोज है तो हम शेडोज इंक्रीज करेंगे, क्योंकि गाइज हमारा बैकग्राउंड में जो गाइज शेडोज है तो हम इसकी शेडोज इंक्रीज करेंगे। एंड जो गाइज इसका वाइट्स है तो हम वाइट्स को थोड़ा कम ही करेंगे, क्योंकि हमारे शर्ट पे एंड यहाँ पर व्हाइटनेस ज़्यादा है इसलिए। एंड गाइज हम ब्लैक्स को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि गाइज हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है, पहले भी कहा था मैंने, जैसे कि हमारा फेस भी ब्लैक था। तो ये सारे सेटिंग्स हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अपने जो लाइट वालों ये सब हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन पर टैप कर देंगे। एंड इसके बाद इसकी मैं वाइब्रेशन को इंक्रीज कर लूँगा, जिससे क्या है कि हमारे फोटो में जो कलर ऐड हो जाएगा। एंड इसके बाद हम क्या करने वाले, मिक्स टूल पर टैप करेंगे। एंड सिंपली जो येलो कलर है ना, तो यहाँ पर इसकी सेचुरेशन मैं बिल्कुल माइनस कर लूँगा सबसे पहले तो। एंड जो गाइस ग्रीन टोन है तो इसकी सेचुरेशन भी यहाँ पर मैं यहाँ पर जो क्या करूँगा गाइस बिल्कुल ही माइनस कर दूँगा। जी हाँ गाइस, तो ये हो जाने के बाद हम आएंगे अपने फेस कलर टोन पे। एंड यहाँ पर जो गाइस इसकी सेचुरेशन हम माइनस कर लेंगे। एंड जो गाइस इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, कलर यानी कि लेमिनेस को हम बढ़ा लेंगे, जिससे हमारे फेस पर जो लाइट आ जाएगी। एंड सिंपली हमारे जैसे कि ये वाला टोन है जैसे कि हमारा ब्लू, तो इसकी सेचुरेशन इंक्रीज कर लूँगा यहाँ पर। तो ये सब सेटिंग्स हो जाने के बाद हम यहाँ से सिंपली डन कर देंगे। एंड गाइस जैसे कि अब हम आएंगे यहाँ पर हमारे मास्किंग टूल पे, एंड सिंपली प्लस वाला आइकन पर टैप कर लेंगे सिंपली, और उसके बाद हम यहाँ पर लाइनर ग्रेडेंट पर टैप कर देंगे। एंड गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कुछ इस टाइप से मैं लेकर आऊँगा। जी हाँ गाइस, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर येलो टोन है ना, तो यहाँ पर हम येलो टोन देने वाले हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कलर पर टैप करूँगा। एंड जो गाइस इसका यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पर कर लूँगा। एंड इसका सेचुरेशन मैं इंक्रीज कर लूँगा। जी हाँ गाइज, एंड इसके बाद जो हम क्या करेंगे, हमें जो येलो कलर था ना वो हम यहाँ पर कलर लेकर आएंगे सिंपली। एंड जो गाइज मैं इसका यहाँ पर टेंट भी बढ़ा लूँगा सिंपली। एंड जो गाइज इसका टेम को भी मैं इंक्रीज कर लूँगा। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारा यहाँ पर जो कलर आ रहा है सिंपली। तो थोड़ा यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से और इसको यहाँ पर इंक्रीज कर लूँगा। एंड इसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, आऊँगा यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन पर। एंड जो इसका मैं एक्सपोजर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। एंड इसके बाद जो गाइज मैं यहाँ पर इसका कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज कर लूँगा। एंड सिंपली यहाँ से मैं डन कर दूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर फोटो में जो किस टाइप से टोन आ चुका है। एंड सिंपली अब यहाँ पर आएंगे हम इफेक्ट्स पे, एंड इसका जो हम क्लियरिटी इंक्रीज कर लेंगे सिंपली। एंड जो गाइस इसका विग्नेट को मैं थोड़ा सा माइनस करूँगा, जैसे कि -13%। एंड सिंपली आएंगे डिटेल वाले ऑप्शन पर। एंड इसका शार्पिंग नहीं है तो मैं इसका शार्पनेस बढ़ा लूँगा, एंड डिटेल को इंक्रीज कर लूँगा। एंड गाइस नॉइज रिडक्शन को भी मैं यहाँ पर बढ़ा लूँगा सिंपली। ये सारी सेटिंग्स हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमारा फोटो एडिट हो चुका है काफ़ी बढ़िया लाइट रूम में। एंड यहाँ से अब इसको हम फेस स्मूथ करने वाले हैं, इसके लिए हम यहाँ से शेयर कर देंगे इसको ऑटोडेस्क ऐप में। जी हाँ गाइस, तो जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ऑटोडेस्क ऐप में शेयर। सो गाइज जैसे कि हमारा फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है ऑटोडेस्क ऐप में सिंपली। एंड अब इसका जो हम फेस को स्मूथ करने वाले हैं, तो गाइज आज मैं आपको बिल्कुल नया टूल बताऊंगा आप किस प्रकार जो है अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से ही देखिएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से आपको जो ब्रश वाला आइकन पर टैप कर देना है सबसे पहले। एंड इसके बाद जो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, स्क्रॉल करते हुए आना है कुछ नीचे की टाइप। एंड गाइज आपको जो क्या करना है, कुछ इस वाले ब्रश को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम इस वाले ब्रश को यहाँ पर ले लेंगे। जी हाँ गाइज, एंड इस ब्रश का यहाँ पर क्या नाम है, सॉफ्ट वाश। जी हाँ गाइज, सॉफ्ट वाश को ले लेना है, यहाँ पर सेटिंग पर जाना है आपको। एंड गाइज आप जब इस ब्रश को लेगा ना, तो यहाँ पर जो आपको इस वाले ब्रश टाइप में पे आपको टैप करेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि गाइज या तो सिंथेटिक पेंट होगा ये वाला, तो आपको यहाँ पर स्मज सिलेक्ट कर लेना है सिंपली। जी हाँ गाइज, फिर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फ्लो रख रहे हैं हम
12% एंड जो गाइस इसका स्ट्रेंथ को हम रखेंगे 18% एंड साइज तो अपने हिसाब से हम घटा बढ़ा लेंगे। फिर एडवांस पर टैप करेंगे, यहाँ से NIB एंड जो गाइस इसका जो हार्डनेस है ना, तो यहाँ पर मैं इसका हार्डनेस रखूँगा 17% एंड इसके बाद सिंपली हम क्रॉस पर टैप कर कुछ इस टाइप से हम बिल्कुल फोटो को जितना हो सके उतना जूम कर एंड कुछ इस टाइप से हम रब करेंगे यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जिस प्रकार आप यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे से रब करिएगा, सो गाइस हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर चाहते हो तो आप यहाँ पर स्किप कर। सो गाइज जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा किस टाइप से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जो फेस को स्मूथ कर लिया है हम सिंपली यहाँ पर है। एंड हम इसको यहाँ पर से क्या करेंगे, 3 डॉट पर टैप कर इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। जी हाँ गाइज, तो इस फोटो को हम गैलरी में सेव करके अपने स्नैपसीड ऐप में यहाँ पर ओपन कर लेंगे। सो ओके गाइज, जैसे कि हमारा फोटो जो है अपनी गैलरी में ऐड हो चुका है सिंपली, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे इसको यहाँ से शेयर कर लेंगे अपने स्नैपसीड ऐप में। जी हाँ गाइज, एंड फाइनली जैसे कि हमारा फोटो जो ऐड हो चुका है स्नैपसीड ऐप में, एंड यहाँ से सबसे पहले हम टूल्स पर टैप करेंगे, यहाँ से सिलेक्टिव, एंड गाइस अब जहाँ पर भी ब्लैक है ना वहाँ पर सबसे पहले हम इसकी यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेंगे। जी हाँ गाइस, जैसे क्या हमारे फोटो पर जो डार्क टोन नहीं रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार आप भी कर लीजिएगा, बट आपको जहाँ पर डार्क लगे ना वहीं पर गाइस आप करिएगा। एंड सिंपली जैसे ये हो जाने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, डन कर दूंगा। जी गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे फोटो में कितना ज़्यादा हमारा फेस जो कितना ज़्यादा गोरा हो चुका है। एंड सिंपली हम आएंगे टूल्स पर, एंड यहाँ से गाइस मैं ट्यून इमेज पर टैप करूँगा, एंड इसका जो गाइस मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा यहाँ से ब्राइटनेस इंक्रीज करूँगा, एंड गाइस इसका कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज करूँगा सिंपली। एंड इसके बाद जो इसका एम्बियंस है ना, तो गाइस मैं एम्बियंस को थोड़ा सा माइनस कर लूँगा, हाइलाइट्स को गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पर माइनस करूँगा, एंड शेडोज को गाइस मैं क्या करूँगा थोड़ा सा इंक्रीज यानी कि 1%, एंड गाइस वॉमट है ना तो इसको मैं जो क्या करूँगा थोड़ा सा प्लस कर लूँगा, एंड सिंपली यहाँ से डन कर दूंगा। एंड गाइस ये सब हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, आएंगे टूल्स पर, यहाँ से डिटेल, एंड गाइस हम यहाँ से इसकी डिटेल को इंक्रीज कर लेंगे। जी हाँ गाइस, तो जैसे कि मैं इसकी डिटेल थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ सब मैं यहाँ से डन कर दूंगा सिंपली। जैसे कि हमारे फोटो में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है यहाँ पर भी, एंड सिंपली हम इसको क्या करते हैं यहाँ से जो शेयर कर लेते हैं टूल विज ऐप में। जी हाँ गाइस, अब इसका हम जो ऑयल पेंट यहाँ पर कर लेते हैं। तो ओके गाइस, जैसे कि हमारा फोटो जो टूल विज ऐप में एक्सपोर्ट हो चुका है, एंड सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, इफेक्ट्स पर टैप करना है, यहाँ पर इफेक्ट्स पर टैप कर देना है सिंपली। एंड इसके बाद जो आपको यहाँ पर गाइस सॉफ्ट स्मज पर टैप कर देना है सिंपली। एंड अब यहाँ पर जो गाइस इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस खुल जाएगा, तो यहाँ पर जो हम ये 5वें नंबर वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ऑयल पेंट, एंड सिंपली यहाँ से मास्क टूल, एंड यहाँ से इसको क्लीन कर लेंगे, एंड कुछ इस टाइप से हम जूम करके अपने हेयर्स पर कुछ इस तरह से एडिट कर लेंगे ऑयल पेंट। तो जहाँ पर भी आपको ऑयल पेंट करना है गाइस, वहाँ पर आप इसी तरह से कर लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपने हेयर पर एंड बियर्ड पे, एंड जैसे कि हमारे लिप्स पर आ चुके हैं, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे सिंपली। एंड गाइस यहाँ से देख सकते हैं हमारे किस तरह से ऑयल पेंट हो चुका है अपने जैसे कि फेस पर, एंड सिंपली यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मैं डन कर दूंगा। एंड गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा यहाँ पर फोटो एडिट हुआ है। एंड अब इस समय क्या करते हैं, HDR लुक डाल देते हैं जैसे कि आपने देखा होगा हेयर में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस फोटो को यहाँ से जो शेयर कर लेना है PicsArt ऐप में। जी हाँ गाइस, जैसे कि हम यहाँ से कर लेते हैं सिंपली। सो ओके गाइस, जैसे कि हमारा फोटो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है PicsArt ऐप में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टूल्स पर टैप करना है, एंड यहाँ से रीसाइज, तो गाइस आपको रियल साइज यहाँ पर टाइप कर देनी है, जिससे क्या होगा आप फोटो जब भी सेव करेंगे ना तब आपका जो फोटो यहाँ पर अच्छे क्वालिटी में सेव होगा। तो एक बार तो आपको इसको कुछ इस टाइप से कोई भी संख्या लिख दी, फिर आपको रीसाइज पर टैप करना है, फिर नीचे आएगा यहाँ पर नीचे आएगा इमेज कनेक्ट टू लार्ज देन इस तरह से मेगा पिक्सल्स, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 28:29 आ रहा है नीचे, तो ये हम यहाँ पर करेंगे 28।
29 एंड सिंपली यहाँ से रिसाइज कर देंगे। अब हमारी जो रिसाइज रहेगी रियल में वही रहेगी। फिर आपको आना है यहाँ पर इफेक्ट्स पर, इफेक्ट्स पर एंड सिंपली जो हम इसका एच डी आर लुक डालने वाले हैं तो आपको गाइस ये वाला फिल्टर को ऐड कर लेना है यहाँ पर। एंड सिंपली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे जो बालों में किस तरह से एच डी आर लुक आया है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जैसे कि इरेजर पर टैप करेंगे एंड अपने जो गाइस फेस है ना तो हम यहाँ से फेस से रिमूव कर लेंगे। जी हाँ गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एंड गाइस जैसे कि यहाँ पर मैंने कर लिया है सिंपली एंड यहाँ से मैं डन कर दूंगा सिंपली एंड यहाँ से भी डन कर दूंगा। एंड इसके बाद जो हम क्या करते हैं गाइस, अब जैसे कि हमारे फेस को हम थोड़ा सा इसको भी एच डी आर लुक देते हैं, इसके लिए हम टूल्स पर टैप करेंगे यहाँ से एडजस्ट एंड सिंपली इसकी क्लियरिटी हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे एंड अब यहाँ से हम डन कर देंगे। एंड सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे फोटो में कितना ज़्यादा यहाँ पर अंतर आ चुका है। हमने यहाँ पर फोटो में ऑयल पेंट कर दिया है, सब कुछ कर दिया है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये फोटो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस आप भी सीख गए हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना जिससे हम कुछ भी इसी तरह का फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल डाले तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहे। जी गाइस अब यहाँ पर आपको गाइस जब भी फोटो सेव करो तो यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ, आपको ड्रॉ टूल में जाकर ही सेव करना है फोटो को, जिससे क्या आपकी फोटो की यहाँ पर क्वालिटी कम नहीं होती है। तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करें, यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे गाइज। एंड गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो पसंद आती है लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।